शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या एक तरफा मोहब्बत ज़हनी अज़ियत का बाइस है? मौजूदा नौजवान नस्ल किस तरह अपने आप को इश्क मजाजी की जंजीरों में जकड़ती जा रही है? दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तबातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात को और इसमें मौजूद मखलूकात को बहुत मोहब्बत से बनाया है और अपनी तमाम मखलूकात को इस जज्बे से सरशार किया है। मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है जो कि एक आइडियल मुआशरे और इंसानी जिंदगी की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। मोहब्बत एक एहसास का नाम है जो कि इंसान के किसी के लिए भी अपने दिल में महसूस होता है। बाज़ुकात इंसान ऐसी भी मोहब्बत करता है जो किसी एक खास फर्द के लिए होती है, जो कि दो तरफा भी होती है और यक तरफा भी। यक तरफा मोहब्बत एक सैराब है जिसमें इंसान लाहासिल की तमन्ना कर बैठता है और अपनी शख्सियत खो देता है। आजकल के माशरे में जहाँ इंटरनेट ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाया है, वहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है और लड़के और लड़कियों में वक्त से पहले शऊर आ गया है, जिसकी वजह से वो मोहब्बत के जज्बे को समझे बगैर यक तरफा मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, जिसके इनके ज़हनी कैफियत और शख्सियत पर बाज़ुकात मनफी असरात मुरतब होते हैं। यक तरफा मोहब्बत इस वक्त ज्यादा नुकसान देती है जब इनका ताल्लुक किसी भी शोबे में कामयाब इंसान से हो, जैसा कि शोबिस, सोशल मीडिया या फिर कोई प्रोफेसर या उस्ताद। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के कामयाब अफराद, जैसा कि शोबिस से ताल्लुक रखने वाले अफराद से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। इनमें से कुछ अफराद, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि वो उनसे मिलने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, इनको कॉल करते हैं, पैगामात भिजाते हैं, हत्ता के शादी करने का भी कहते हैं। इस तरह बाज़ुकात उस्ताद से भी उनके तालिबिल्म, खास तौर पर लड़कियां, बहुत जल्द मुतासिर हो जाती हैं। उस्ताद के शफीक रवैये को मुख्तलिफ अंदाज में देखती हैं, इनके ख्याल करने वाले रवैये को मोहम्मद समझ लेती हैं, अपने ख्यालाती तसव्वुर में इनके साथ जिंदगी गुजारने का प्लान बना लेती हैं और जब इसका इजहार करती हैं तो तवक्को करती हैं कि उनके जज्बात को कबूल किया जाए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कामयाब इंसान की कामयाबी में जज्बाती जहनियत का बहुत अमल दखल होता है। उनको मालूम होता है कि किस तरह के हालात में कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करना है और उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किस तरह पेश आना है, कौन से अल्फाज का इस्तेमाल किस तरह और कैसे करना है। जब इनको ऐसे अफराद से डील करना होता है तो मुनासिब तरीका इख्तियार करते हुए इनकार कर देते हैं, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो अफराद मोहब्बत का दावा करते हैं, वो मुख्तलिफ रद्द अमल का इजहार करते हैं, जैसा कि कुछ लड़के और लड़कियां उदासी और डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं, खुद तरसी का शिकार हो जाते हैं, वो शिकवा करते हैं कि उनकी मोहब्बत की कदर नहीं की गई, जबकि बाज़ अफराद इनकार को अपनी तोहीन समझते हुए गुस्से और नफरत का इजहार करते हैं और इल्जाम तराशी और बद्दुआओं और धमकियों पर उतर आते हैं। इन रवैयों की वजूहात पर गौर करें तो पता चलेगा ज्यादातर लड़के और लड़कियां के घर के माहौल सख्त होगा, माँ बाप और बच्चों की बातचीत कम होगी, लड़के और लड़कियों को तवज्जो नहीं मिलती तो अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो जाते हैं। वो बाज़ुकात तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह के रवैये इख्तियार कर लेते हैं और ज़हनी अज़ियत में न सिर्फ खुद मुब्तला होते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी ज़हनी अज़ियत का बाइस बनते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।